हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट में अभी मैंने मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट R&D किया हूँ और उस पर एक ब्यूटीफ्लाई कॉस्मेटिक्स का एक लोगो मुझे बनाना है, जो उसका मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग और R&D करके जो मुझे कॉन्सेप्ट मिला है, मैं उसको आज मैं बताकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा दो कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी एंड फ्लाई, यानी फ्लाई मतलब बटरफ्लाई। जो आपको मेरा कॉन्सेप्ट है वो उस टाइप से मैं लोगों को बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या किया हूँ, R&D के लिए मैं एक फर्स्ट बटरफ्लाई यहाँ पे मैं सर्च किया हूँ, गूगल सर्च किया हूँ यहाँ पे बटरफ्लाई, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया हूँ। दूसरा है ब्यूटी, ब्यूटी साइड फेस। मैं ये एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ब्यूटी का फेस मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मुझे लोगो बनाना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट मैं ब्यूटी के फेस का जो है वो थोड़ा सा मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, पेन टूल से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी चाहे तो ड्रॉ कर लें। अल्ट के साथ यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो। ये मैंने फेस ड्रॉ कर लिया, इसका आईब्रो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अभी थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना आदि कुछ कर सकते हैं। ये फेस मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं बताना चाहूँगा हूँ कि ये फेस ड्रॉ करने का मेरा दो आइडिया है इसके पीछे, वो आइडियाज़ मैं अभी एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अभी मुझे बटरफ्लाई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैं सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ इसके बीच का सेंटर था, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अभी सी सर्कल के अकॉर्डिंग में मुझे बटरफ्लाई का वो शेप मुझे निकालना है। मैं यहाँ पे करके अभी आपको दिखाता हूँ। ये फेस मेरा है, ये है फेस। मैं इस फेस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ ताकि आपको बटरफ्लाई का वो शेप मिल सके। ये हो गया मेरा, थोड़ा नोज का शेप और थोड़ा ये कर सकते हैं आप। ये शेप मैंने ले लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सर्कल को इससे मैं ट्रिम करता हूँ। मैंने फेस वाले को पकड़ा और ये सर्कल को मैं यहाँ पे आकर ट्रिम कर दिया। मैंने ट्रिम करके ये मैं डिलीट कर देता हूँ और ये कंट्रोल के से मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो ये मेरा ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये दोनों को मैं फील कर लेता हूँ यहाँ पर, कोई सिंगल कलर से मैं फील कर दिया।
सेम चीज को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप करके मैं यहाँ से कंट्रोल आपको दबा के रखना, और ये है ड्रैग करके साथ में आपको राइट क्लिक करके कॉपी बना देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरा बटरफ्लाई का शेप रेडी है। तो ये रहा मेरा बटरफ्लाई। ये अभी आप थोड़ा बटरफ्लाई का शेप में और थोड़ा ये कर लेंगे तो आप चाहिए तो आप दे सकते हैं। एक सर्कल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सर्कल लिया है मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ जो लोगों का नेम है, ब्यूटी फ्लाई, ये लोगों का नेम। ये नेम को फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, लैटो ये बोल्ड फॉन्ट में दे दे रहा हूँ, ब्लैक। कंट्रोल ऐसे आप पूरा फॉन्ट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ई सेंटर आप कर ले सकते हैं, शिफ्ट F3 आप अपर केस में कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, इसके सेंटर ले ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करने के बाद ये थोड़ा स्टेप से कर ब्यूटी फ्लाई कॉस्मेटिक का थोड़ा छोटा लगे हम कॉस्मेटिक, इस पर Shift F3 अपर केस छोटा कर लेते हैं हम लोग 50 50, ये अप साइड। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने ब्यूटी फ्लाई का एक लोगो बनाया है। अभी मैं ये सिंगल कलर है, ये मैं कलर में करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ थोड़ा छोटा सा, ये लाइन का थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। BX का मैं कलर कॉन्सेप्ट में भी हम लोग कर लेंगे ताकि आपको पता चले कलर कॉन्सेप्ट में किस तरह से और हो सकता है। तो यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड मैं कलर पैलेट में चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो कलर पैलेट के लिए कर लिया हूँ। ब्यूटी से रिलेटेड मैं पिंक शेड में मैं लेता हूँ, पिंक शेड जो होता है वो एक्चुअली ब्यूटी को रिलेट करता है। ये मैं पिंक ले रहा हूँ और ये पिंक, सॉरी फर्स्ट ये पिंक मैंने दे दिया है, ये इसको मैंने ये दे दिया है, इसको ये दे सकते हैं, ये हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा आप कलर मॉडिफाई करना चाहते हैं, Shift F11 आप प्रेस करके कलर को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। देखिए ये मॉडिफाई किया जो कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आउटलाइन का भी कलर राइट क्लिक करके आप दे सकते हैं। ये रहा। तो अभी आप देखिए कि मैंने जो लोगो रेडी किया है, मेरा कॉन्सेप्ट था जो एक बटरफ्लाई और ब्यूटी फेस के से जो हमको रिलेट करता है, उससे हमको एक ब्रांड नेम जो ब्यूटी फ्लाई कॉस्मेटिक उसका हम लोग ने लोगो तैयार किया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो किस तरह से हम लोग लोगो कॉन्सेप्ट करते हैं ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप आप मेरे आइडियाज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और नए चीज़ को आप करके आप खुद से कॉन्सेप्ट नया क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब